सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, ओम शांति। गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम, मंगलम सत्यम शिवम सुंदरम। सदा शिव सर्वदा कल्याणकारी बाबा, हम बच्चों को कह रहे हैं सदा बाप की याद का चिंतन और ज्ञान का विचार सागर मंथन करो, तो नई नई पॉइंट्स निकलती रहेंगी, खुशी में रहेंगे। इस ड्रामा में सबसे बड़ी कमाल किसकी है और क्यों? बाबा कहते हैं सबसे बड़ी कमाल है शिव बाबा की, क्योंकि वो तुम्हें सेकंड में परिजादा बना देते हैं। ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं जिससे तुम मनुष्य से देवता बन जाते हो। दुनिया में ऐसी पढ़ाई बाप के सिवाय कोई नहीं पढ़ा सकता। और दूसरी बात, ज्ञान का तीसरा नेत्र दे अंधियारे से रोशनी में ले आना, ठोकर खाने से बचा देना, यह बाप का काम है। इसलिए उन जैसी कमाल का वंडरफुल कार्य कोई कर नहीं सकता। बाबा कहते हैं रूहानी बाप रोज रोज बच्चों को समझाते हैं और बच्चे अपने को आत्मसमझ बाप से सुनते हैं। जैसे बाप गुप्त है वैसे ज्ञान गुप्त है। किसी को भी समझ में नहीं आता है कि आत्मा क्या है, परमपिता परमात्मा क्या है। तुम बच्चों की पक्की आदत पड़ जानी चाहिए कि हम आत्मा हैं। बाप हम आत्मा को सुनाते हैं, यह बुद्धि से समझना है और एक्ट में आना है। बाकी धंधा आदि तो करना ही है। कोई लोग बुलाएंगे, जरूर नाम से बुलाएंगे, नाम रूप है तब तो बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। सिर्फ यह पक्का करना है कि मैं आत्मा हूं। महिमा सारी निराकार की है। अगर साकार में देवताओं की महिमा है तो उन्हों को भी महिमा लायक बाप ने बनाया है। याद करते करते इम्तिहान पास हो जाएगा, फिर चले जाएंगे घर। इम्तिहान पूरा होते ही ड्रामा फिनिश हो जाता है। फिर तुम बच्चों को मालूम है कि हमारी आत्मा में पाठ भरा हुआ है 84 जन्मों का, जो हमको बजाना है। यह भी अभी मालूम है, पीछे वहां यह याद नहीं रहेगा। महिमा सारी निराकार की है। अगर साकार में देवताओं की महिमा है तो उन्हों को भी महिमा लायक बाप ने बनाया है। महिमा लायक थे, अब फिर बाप महिमा लायक बना रहे हैं, इसलिए निराकार की ही महिमा है। विचार किया जाता है बाप की कितनी महिमा है और कितनी उनकी सर्विस है। वो समर्थ है, वो सब कुछ कर सकते हैं, हम तो बहुत थोड़ी महिमा करते हैं। महिमा तो उनकी बहुत है। मुसलमान लोग भी कहते हैं अल्लाह मियां ने ऐसा फरमाया। अब फरमाया किसके आगे? बच्चों के आगे फरमाते हैं, जो तुम मनुष्य से देवता बनते हो। अल्लाह मियां ने किसी के प्रति तो फरमाया होगा ना, तुम बच्चों को ही समझाते हैं जिसका कोई को पता ही नहीं। अभी तुमको पता पड़ा है, फिर यह नॉलेज ही गुम हो जाएगी। बौद्ध भी ऐसे कहेंगे, क्रिश्चियन भी ऐसे कहेंगे, परंतु क्या फरमाया था किसी को पता ही नहीं। बाप तुम बच्चों को अलफ और वे समझा रहे हैं। आत्मा को बाप की याद भूल नहीं सकती। आत्मा अविनाशी है तो याद भी अविनाशी रहती है। बाप भी अविनाशी है। गाते हैं अल्लाह मियां ने ऐसे कहा था, परंतु वो कौन है, क्या कहते हैं थे, ये कुछ भी नहीं जानते। अल्लाह मियां को ठिकर भीतर में कह दिया है तो जानेंगे फिर क्या। भक्ति मार्ग में प्रार्थना करते हैं, अब तुम समझते भी जाते हो। उनको सोतो रोजो तमो में आना ही है। बाप बेट समझाते हैं,
यह कभी भूलना नहीं चाहिए। हम बाबा के साथ हैं। बाबा आया हुआ है असुरों से देवता बनाने। यह देवताएं सदगति में रहते हैं तो बाकी सब आत्माएं मूल वतन में रहती हैं। ड्रामा में सबसे बड़ी कमाल है बेहद भाव की। आज हमें यह समझना चाहिए बाबा बार बार बोलने सबसे बड़ी कमाल किसकी है ड्रामा में, शिव बाबा की, जो तुमको परिजादा बनाते हैं। पढ़ाई से तुम परी बनते हो, भक्ति मार्ग में समझते कुछ भी नहीं, माला फेरते रहते हैं। कोई हनुमान को, कोई किसको याद करते हैं। उनको याद करने से फायदा क्या, बाबा ने कहा है महारथी, तो उन्होंने बैठ हाथी पर सवारी दिखा दिया है। यह सब बातें बाप ही समझाते हैं। बड़े बड़े आदमी कहां जाते हैं तो कितनी आजियान मतलब अब भगत करते हैं। तुम और किसी को आजियान नहीं देंगे। तुम जानते हो इस समय सारा जाड़ जड़जड़ भूती अवस्था है, विष की पैदाइश है। तुमको फीलिंग आनी चाहिए कि सत्य में विष की बात नहीं। बाप कहते हैं मैं तुमको पद्मा पदम पति बनाता हूं। सुदामा पदम 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 पति बनाना सब अपने लिए ही करते हैं। बाप कहते हैं इस पढ़ाई से तुम कितने ऊंच बनते हो। वो गीता सब सुनते पढ़ते हैं। बाबा कहते हैं यह भी पढ़ता था, ब्रह्मा बाबा के लिए बोलते हैं, यह मनुष्य ने क्यों बेड बनाया। बाप की गीता से सदगति हुई, क्यों बनाया मनुष्य ने, कहते हैं अल्लाह मियां ने ऐसे कहा, परंतु समझते कुछ भी नहीं। अल्लाह कौन है, देवी देवता धर्म वाले ही भगवान को नहीं जानते हैं, तो जो पीछे आते हैं वो क्या जाने। सर्वशास्त्र मई शिरोमणि गीता ही रंग कर दी है, तो बाकी फिर शास्त्र में क्या होगा। बाप ने जो हम बच्चों को सुनाया वो प्राय लोप हो गया। अब तुम बाप से सुनकर देवता बन रहे हो। पुरानी दुनिया का हिसाब तो सबको चुप्त करना है, फिर आत्मा पवित्र बन जाती है। उनका भी कुछ हिसाब किताब होगा तो वह चुप्त होगा। हमें पहले पहले जाते हैं, फिर पहले पहले आते हैं, बाकी सब सजाएं खाकर हिसाब किताब चुप्त करेंगे। इन बातों में जस्ती ना जाओ। पहले तो निश्चय कराओ कि सबका सदगति दाता बाप है। टीचर गुरु भी वो एक ही बाप है, वो है अशरीरी। उस आत्मा में कितना ज्ञान है, ज्ञान का सागर सुख का सागर है, कितनी उनकी महिमा है। है वो भी आत्मा, आत्मा ही आकर शरीर में प्रवेश करती है। सिवाय परमपिता परमात्मा के तो कोई आत्मा की महिमा कर नहीं सकते, और सब शरीरधारियों की महिमा करेंगे। यह है सुप्रीम आत्मा। बिगर शरीर आत्मा की महिमा सिवाय एक निराकार बाप के कोई की हो नहीं सकती, क्योंकि शिव बाबा ने आकर हम बच्चों को मनुष्य से देवता बनाया, इसलिए शिव जयंती हीरे तुल्य है। तो आज बाबा हम बच्चों को धारणाओं में कहते हैं अपनी अवस्था बहुत धैर्यवत बनानी है, बाप को फॉलो करना है, किसी भी बात में अहंकार नहीं दिखाना है, देवताओं जैसा मीठा बनना है, सदा हर्षित रहने के लिए ज्ञान का स्मरण करते रहो, विचार सागर मंथन करो। हम भगवान के बच्चे भी हैं तो सर्वेंट भी है, इस स्मृति से सेवा पर तत्पर रहो। तो आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं मनमना भव के साथ मध्याजी भव के मंत्र स्वरूप में स्थित रहने वाले महानात्मा भव। बाबा कहते हैं आप बच्चों को मनमना भव के साथ मध्याजी भव का भी वरदान है। अपना स्वर का स्वरूप स्मृति में रहे इसको कहते हैं मध्याजी भव। जो अपने श्रेष्ठ प्राप्तियों के नशे में रहते हैं वही मध्याजी भव के मंत्र स्वरूप में स्थित रह सकते हैं। तो जो मध्याजी भव है वह मनमना भव तो होंगे ही,
ऐसे बच्चों के हर संकल्प, हर बोल और हर कर्म महान हो जाते हैं। स्मृति स्वरूप बनना माना महान आत्मा बनना। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, खुशी आपका स्पेशल खजाना है, इस खजाने को कभी नहीं छोड़ना। तो आज के मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं महान आत्मा हूं इस संसार में। मुरली की और गहरी रीति से चिंतन करते हुए बाप दादा की छत्र छाया का अनुभव करना है कि बाप दादा सदा मेरे साथ हैं। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।